आपण पाहत आहात संगमेश्वर कॉलेजचं यूट्यूब चॅनल SES.संगमेश्वर कॉलेज। ये एक ऐसा विषय है जो हर एक जगह पे आज एंटर कर चुका है। जन्म से लेकर मरण तक ह्यूमन रिसोर्सेस जहाँ पे भी एक्टिव रहेगा वहां पे ये काम करेगा ही। इवन दो मैं तो कहना चाहूंगी कि जहाँ पे ह्यूमन नहीं इवन एनिमल भी है तो वहां पे भी साइकोलॉजी काम करती है दोस्तों। इसलिए ये एक अनछुआ सब्जेक्ट जो आज तक बहुत हद तक अभी भी हम लोग समझने के लिए प्रयत्न या फिर ट्राई नहीं करते उसको समझने की कोशिश करेंगे। इसीलिए मैं आपकी इजाजत समझ के आगे बढ़ रही हूँ कि मैं कोई भी साइंटिफिक डेफिनेशन आपके सामने नहीं दूंगी। उसके लिए आपके पास गूगल बाबा है, पता तो चल गया होगा कि एक सिंगल टिक पे या फिर आप क्लिक पे सारी इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। इसीलिए मैं आज आपके परमिशन है ऐसा समझ के एक लेमन लैंग्वेज में ये सारी चीजें बताना चाहूंगी दोस्तों। तो क्या आप मेरे साथ बने रहोगे? आगे 30 मिनट्स में करीबन एक ऐसा फॉर्मूला मिलेगा जिस फॉर्मूले के बदौलत हमारे काफी सारी चीजें काफी सारे प्रॉब्लम सॉल्व होंगे। वो रिलेटेड आप चाहो तो मान सकते हो हेल्थ से रिलेटेड है, अपने वेल्थ से रिलेटेड है, या सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर हमारे सक्सेस से रिलेटेड है, फिर वो किसी भी माहौल में हो या किसी भी एरिया में हो। तो दोस्तों आज इतना बढ़िया प्लेटफॉर्म मुझे दिया है और उस प्लेटफॉर्म पे मैं आपके साथ सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर बात करने से पहले एक इंटरनेशनल ओलंपियड जो सबसे डेकोरेटिव ओलंपिक चैंपियन माना जाता है ऐसे माइकल के बारे में बात करना चाहूंगी। माइकल फ्लेप्स उनका नाम है और 23rd गोल्ड मेडल्स उन्होंने पाए हैं दोस्तों। तो इतना डेकोरेटिव पर्सनैलिटी, क्या आपको लगता है उनका जीवन इजी या आसान रहेगा? नहीं ना दोस्तों। तो उस बच्चे के लाइफ में जब वो 9 साल के थे उसी वक्त उनके पेरेंट्स मतलब उनके माता पिता का डिवोर्स हो चुका था और आगे चल के जब वो बहुत बड़े फेमस पर्सनैलिटी बन गए उन्होंने एक इंटरव्यू में ये बताया भी है कि उस इवेंट का या फिर उस प्रॉब्लम का उनके ऊपर बहुत गहरा मानसिक इम्पैक्ट या मानसिक प्रॉब्लम उन्होंने फेस किया था बचपन में। तो 9 साल की उम्र में उन्होंने माता पिता को अलग अलग देखा। पिता से तो वो कट ही गए थे उनके उनके इश्यूज की वजह से या फैमिली प्रॉब्लम की वजह से। उसके बाद और एक बड़ा सदमा उन्हें मिला। 6th स्टैंडर्ड में वो बच्चा था और उस वक्त उन्हें पता चला कि वो ADHD के प्रॉब्लम में है, मतलब अटेंशन डेफिसाइट हाइपर एक्टिव चाइल्ड है। तो दोस्तों उनके टीचर्स ने ये बता दिया, लेबल भी लगा दिया, बट उसके बाद का उनका लाइफ क्या हो सकता है आप आज ये चीजें नहीं, इसका कोई गेस नहीं लगा सकते आप। तो दोस्तों इस माहौल में भी वो बच्चा 10 साल की उम्र में पहली बार नेशनल लेवल पे जीत के आ सकता है। तो आपको क्या लगता है दोस्तों, सिर्फ फिजिकली फिटनेस हमें आगे बढ़ा सकेगा? तो इसीलिए हमें जरूरत है साइकोलॉजिकल फिटनेस की भी, मानसिक सेहत। या ये जो मानसिक सेहत है इसके अंदर कौन से फैक्टर्स है, बहुत सारी चीजें आएंगी, बट अगर आप गूगल से आप सर्च करोगे तो काफी सारे आपको मिल भी जाएंगे, लेकिन इम्पोर्टेंट 3 फैक्टर पे मैं थोड़ा आज फोकस करूंगी। इस बच्चे का एग्जांपल इसलिए दिया क्योंकि आज इंटरनेशनल ओलंपिक्स डे है और ओलंपिक ये जो शब्द है इस व्यक्ति के बगैर फुल ही नहीं होता या कम्प्लीट ही नहीं होता। तो ऐसे व्यक्तिमत्व के लिए भी अगर साइकोलॉजिकल इश्यूज आ सकते हैं, फिर भी 23 गोल्ड मेडल अगर वो बच्चा ला सकता है तो आपके और हमारे बच्चे क्यों नहीं। तो इसीलिए मैं आपके सामने दिल से कुछ चीजें शेयर करूंगी, लेकिन जाने से पहले या आगे बढ़ने से पहले मैं और एक एग्जांपल दूंगी जिसको गॉड ऑफ क्रिकेट कहा जाता है, जो हमारी शान आन सब कुछ है वो है सचिन तेंदुलकर। या बहुत सारे लोग इंडिया में तो क्रिकेट फैंस है, राइट ना? तो वो जो क्रिकेट फैंस है वो सभी जानते ही है 1999 में एक सबसे नाजुक माहौल में थे सचिन तेंदुलकर जी। उनके पिता की डेथ हो चुकी थी और वो वर्ल्ड कप खेल रहे थे। इंडिया के लिए खेलना उनके लिए बहुत इम्पोर्टेंट था और केनिया के अगेंस्ट उन्होंने 140 नॉट आउट इतना बढ़िया स्कोर बनाया था दोस्तों। और उस दिन के बारे में अगर कहा जाए या फिर आप अगर सर्च करोगे तो उसको इमोशनल 140 नॉट आउट ऐसा कहा जाता है इंटरनेट पे।
तो उसको आप कभी सर्च करोगे तो आप पाओगे दोस्तों, उन्होंने वो डेडिकेट किया था अपने फादर को, क्योंकि उनके फादर की डेथ हो चुकी थी और उस माहौल में भी वो बच्चा वहां पे खेल रहा था। और वो फादर सिर्फ फादर नहीं थे, उनके लिए तो गुरु थे, मोटिवेटर थे। और उनका जो मॉडिफिकेशन हुआ था, सॉरी, उनका जो मॉडिफिकेशन हुआ था, वो सारी चीजें उनके पिता के बदौलत थे। और ऐसे व्यक्ति को खोना हमारे लाइफ का सबसे बड़ा सेटबैक होता। अगर मैं या आप उनकी जगह होते तो दोस्तों, खेलना तो दूर की बात है, लेकिन बैट को हाथ लगाना भी काफी मुश्किल हो जाता है, राइट? तो इसीलिए दोस्तों, ये सारे लोग हमें एक ही चीज की तरफ इशारा करते हैं कि मेंटल स्टेबिलिटी या मानसिक तौर पर हम अगर स्टेबल है तो हम कुछ भी कर सकते हैं। कुछ भी, इसका मतलब ये है कि पॉजिटिविटी से भरे हुए अगर हम लोग हैं और कोई पॉजिटिव गोल लेते हैं तो हम इंडिया के लिए या दुनिया के लिए एक एग्जाम्पल सेट कर सकते हैं। तो सचिन जी के बारे में कितना भी बात करूँ तो कम है, लेकिन यही एग्जाम्पल मैं इसलिए देना चाहती थी कि एक वर्स्ट सिचुएशन में एक मानसिकता अगर हम लोग अच्छी रखते हैं तो हम क्या पा सकते हैं। तो दोस्तों, इसीलिए जैसे हम फिजिकल फिटनेस के लिए काफी सारी चीजें करते हैं, खाना अच्छा खाते हैं, पहराव मतलब ड्रेसिंग हम अच्छा करते हैं, शूज आजकल अगर देखोगे तो 50-60 हजार तक स्पोर्ट्स शूज मिलते हैं दोस्तों। अगर वो सारी चीजें आप प्रोवाइड करने के लिए इतने इतने चीजें करते हो जो आपको पॉसिबल नहीं है, फिर भी आप अपने बच्चों के लिए, अपने भाई बहन के लिए, अपने सिबलिंग के लिए काफी सारी चीजें करते हो, तो और एक चीज करने की हमें जरूरत है, उन्हें बिल्डअप करना साइकोलॉजी के लेवल पे, मानसिक स्तर पे उन्हें डेवलप करना। तो ये साइकोलॉजी के तौर पर कैसे डेवलप करें, इसके लिए पर्सनालिटी डेवलपमेंट एक सेपरेट एक सेक्शन है दोस्तों। तो ये जो साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट है, ये शब्द बोलना मेरे लिए बहुत तकलीफदायक है, क्योंकि पर्सनालिटी ये शब्द ही आता है परसोना से, और वो लैटिन शब्द है और उसका मतलब है कि मुखौटा, मतलब लेयर्स, हमारे चेहरे के ऊपर हम जो लेयर्स लगाते हैं, ये एक्चुअल थिएटर से रिलेटेड वर्ड है कि हम लोग मास्क लगा के हमारा खुद का अस्तित्व भूल के कोई दूसरा व्यक्तिमत्व का पहरावा करके हम लोग वो प्ले करते हैं या रोल करते हैं। लेकिन मेरे लिए हिंदी का शब्द व्यक्तित्व बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि व्यक्तित्व का मीनिंग ही है व्यक्ति के अंदर का तत्व। देखिए दोस्तों, हम कितने रिच है शब्दों के लिए। तो हिंदी में ये जो शब्द दिया गया है कि हर एक व्यक्ति में एक अंश होता है, एक तत्व होता है, अगर उसको हम लोग डेवलप कर सके दोस्तों, तो दुनिया में हमारे जैसा बेहतरीन व्यक्ति कोई नहीं होगा। इसीलिए मैं पर्सनालिटी से ज्यादा व्यक्तित्व शब्द का इस्तेमाल करूंगी। तो व्यक्तित्व क्या है और उसे कैसे डेवलप कर सकते हैं, इसके लिए छोटे छोटे दो एग्जाम्पल लूंगी। ये सारे जो एग्जाम्पल लूंगी ये किसी माइथोलॉजी या किसी स्टोरी से रिलेटेड होगा, क्योंकि हम ह्यूमन हैं, हमें स्टोरी सुनना या छोटे छोटे चुटकुले सुनना काफी अच्छा लगता है। तो दोस्तों, आप सो ना जाए इसके लिए मैं सच में एक कोशिश करूंगी कि ऐसे एग्जाम्पल्स या स्टोरीज बताऊं। तो इसी स्टोरी के बदौलत में जो भी एग्जाम्पल लूंगी, जो कैरेक्टर्स लूंगी, वो रिगार्डलेस होगा किसी एज या किसी जाति से। किसी जाति से मत जोड़िएगा, किसी एज से मत जोड़िएगा, सिर्फ मेरा इंटेंशन देखिए, जिस इंटेंशन से मैं आपके साथ ये चीजें शेयर कर रही हूँ, मेरा इंटेंशन इतना ही है कि सही मायने में ये चीजें एक लेमन लैंग्वेज में आप तक पहुंचाऊं। तो दोस्तों, इसीलिए तीन फैक्टर बेहद इंपॉर्टेंट है। वो फैक्टर है, पहला सबसे इम्पॉर्टेंट, हमारे इमोशंस, हमारा टेम्परामेंट, जिससे काफी बार हम लोग प्रॉब्लम में आते हैं। आप अगर रास्ते में या किसी चौक में खड़े रहते हो एक 10-15 मिनट और देखते हो बहुत बढ़िया मर्सिडीज है, बीएमडब्ल्यू गाड़ी है, सूट बूट पहना है, और कोई अगर टू व्हीलर वाला भी अगर टकरा जाता है, छोटा सा खरोच भी आ जाता है, तो वो सूट बूट वाला बाहर आ जाएगा और बहुत लो लेवल पे जाके बात करना स्टार्ट कर देगा। इट्स रिलेटेड टू आवर इमोशंस, ये फैक्टर है दोस्तों। अगर इमोशंस इतना जल्दी हिल रहा है तो बीएमडब्ल्यू की जरूरत है क्या हमें, ये सोचने वाली बात है। और इमोशंस बहुत बड़ा सेक्टर है, मैं जितना पॉसिबल होगा मैं उसको उसके ऊपर बाद में बात करूंगी। सेकेंड फैक्टर होता है हमारा कैरेक्टर, चारित्र। और ये चारित्र जो है, ये चारित्र हमें बनाता भी है और हमें बिगाड़ता भी है, हमें एक हाई लेवल पे पहुंचा भी देता है और उसी हाई लेवल से कुछ ही दिनों में या कुछ ही समय में हमें नीचे भी गिरा सकता है।
और थर्ड और सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर है एनवायरनमेंट, जिसके बगैर हम बन भी नहीं सकते और मिट भी नहीं सकते। तो इन तीनों चीज़ों को समझने के लिए, इकट्ठा पहचानने के लिए एक बहुत खूबसूरत एग्जाम्पल है स्कंद पुराण में, तो वो इतना इम्पॉर्टेंट है आपके साथ में वो शेयर करना चाहूंगी। रामायण का बहुत इम्पोर्टेंट कैरेक्टर है और वर्ल्ड वाइड इस व्यक्ति को पहचाना गया है। ये पहला व्यक्ति है जो खुद जिंदा होते हुए अपने ही एक चरित्र लेखन में या फिर पुराण में खुद को उन्होंने इन्वॉल्व किया है। ये सबसे पहला, सबसे इम्पोर्टेंट लिटरेरी पर्सन है, तो वो है वाल्मीकि जी। और इस बंदे के लिए आप काफी सारे लोग शायद पहचानते भी होंगे कि वाल्मीकि जी का इतिहास ऐसा बताता है, एक ब्राह्मण फैमिली से ये बच्चा बिलोंग करता था। बहुत डिवोटेड, बहुत अच्छा, बहुत संस्कारी बच्चा था, लेकिन 12 साल की बारिश न होने की वजह से, 12 साल एक एरिया में बारिश न होना, आप सोच सकते हो दोस्तों, उस वक्त इतना ट्रांसपोर्टेशन नहीं था कि हम लोग एक एरिया छोड़ के दूसरे एरिया में जाए और अपना खान पान या फिर अपने लाइफ के लिए सोचे। लेकिन इस बंदे के लिए काफ़ी मुश्किल था अपनी पत्नी, अपनी फैमिली को पेट भर के खाना देना, और ये 12 साल में ये एनवायरनमेंट चेंज जो था इनको बदल दिया वाल्या में। वाल्या में मतलब क्या, एक ऐसा थीफ या डेडली व्यक्ति जो किसी को भी मार सकता था एक दो चार रुपए के लिए, या फिर जो भी तबका फाइनेंशियल रुपए या पैसा था या फिर जो मनी थी उसके लिए, कुछ भी पाने के लिए, थोड़ा सा खाना, थोड़ा सा पैसा या कुछ चीज़ों के लिए ये व्यक्ति किसी भी व्यक्ति का जान ले सकता था, ऐसा ये वाल्या बन चुका था। और इस व्यक्ति को इसी एनवायरनमेंट में फिर से एक चेंज मिला, जो सप्तऋषि कहा जाते हैं, बहुत फेमस 7 ऋषिज है। ये 7ों ऋषि उनको एक बार मिले जंगल में और उन्होंने उनका सिर्फ एनवायरनमेंट, बाहर का नहीं तो इंटरनल एनवायरनमेंट भी, उन्होंने इकोलॉजी कहा जाता है साइकोलॉजी में इसको, तो वो इंटरनल इकोलॉजी भी उन्होंने चेंज कर दिया। कुछ ऐसे सवाल उन्होंने पूछे जिसकी वजह से उसको झिझोड़ के रख दिया, और ये चेंज ऑफ एनवायरनमेंट उस व्यक्ति से, उस वाल्या से वाल्मीकि तक का सफर उन्होंने तय किया। और आज हम लोग जो रामायण पढ़ते हैं, मैक्सिमम बार वाल्मीकि रामायण बहुत फेमस है। तो दोस्तों, ऐसे व्यक्ति को अगर चेंज एनवायरनमेंट कर सकता है या कैरेक्टर कर सकता है, या फिर उस बंदे का जो भी इमोशंस है उसके बदौलत अगर वो चेंज हो सकता है, तो ऐसा ही एक ग्रेट एग्जांपल महाभारत में भी है। मैं हिंदू या मुस्लिम ऐसे कोई सेक्टर में नहीं जाना चाहूँगी, जातिवाद में मेरा कोई यहाँ पे संबंध नहीं है। मैं एग्जाम्पल इसलिए दे रही हूँ क्योंकि ये सारे फेमस कैरेक्टर्स है और ये महाभारत का एक कैरेक्टर है, और मेरा तो पर्सनली आई रियली लव इट। कर्ण एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है पूरे महाभारत में, और इस व्यक्ति के लिए अगर आप सोचो तो इनके जैसा कैरेक्टर मुझे नहीं लगता आज किसी भी पुरुष में होगा। आई एम वेरी सॉरी, आई रिस्पेक्ट ऑल, बट इतना महान कैरेक्टर डेवलप होना काफ़ी मुश्किल होता है। तो ऐसे कैरेक्टर इमोशंस के लिए तो मैं हैंड्स ऑफ, इस बंदे ने ऐसे ऐसे लोगों को माफ किया है, फॉरगिवनेस में, मैं तो फॉरगिवनेस ऑफ फादर बोल के मैंने लिख के रखा है। कभी मुझे गुस्सा आता है तो मैं उनका जो भी इमेजिनेटिव पिक्चर है वो पिक्चर देखती हूँ और खुद को कूल डाउन करती हूँ। तो इमोशंस में तो ये सबके फादर है सच में, क्योंकि इन्होंने ऐसे ऐसे लोगों को माफ किया है, अपने ही फैमिली के लोगों के कुछ मिस्टेक की वजह से ये खुद एक शापित बच्चा बन चुका है। तो ऐसे बच्चे के लिए मैं क्या बोलूँ, ऐसे कैरेक्टर लिख के लिए मैं, मेरे शब्द बहुत कम है। लेकिन एनवायरनमेंट क्या था दोस्तों, एनवायरनमेंट ये था, हेट्रेट उनके अंदर था और बाहर उससे ज़्यादा था, मतलब सोसाइटी उन्हें हेट करती थी और साथ ही में उनका अपमान जो किया करते थे, इस सारी घटनाओं की वजह से वो एक गलत एनवायरनमेंट में चले गए, और आपको एंड पता ही है, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं। अर्जुन अगर अर्जुन बने तो एक एनवायरनमेंट की वजह से, एक कृष्ण जो उनके आसपास के एनवायरनमेंट में उन्होंने चेंजेस लाए, उनके माता पिता ने कुछ चेंजेस लाए, इन सारे के बदौलत एक बच्चा एक अर्जुन बना और जो हिस्ट्री में फेमस हो गया, माइथोलॉजी में फेमस हो गया, और वही उसी फैमिली से बिलोंग करने वाला एक बच्चा जो आज बुराई की तरफ जाके एनवायरनमेंट की वजह से
उन्होंने अपने आप को भी खो दिया और अपने इतने बढ़िया कैरेक्टर को भी खो दिया। तो दोस्तों, ये दो कैरेक्टर्स हमें हमेशा याद रखने चाहिए कि हमें किस ओर जाना चाहिए। तो ये तीन फैक्टर जो है, इन्हीं तीन फैक्टर की बदौलत हमारी व्यक्तित्व में जो पहचान बनती है, हमेशा बनती है। आप और हम इससे छूटे नहीं हैं, हम भी इसी चीज़ों से बिलोंग करते हैं और इसी चीज़ों से बनते या बिगड़ते हैं। मानते हो ना दोस्तों? अभी कुछ सेकंड खुद को एक सवाल कीजिएगा, मैं अपने आप को और अपने बच्चों को या आने वाली अपनी पीढ़ी को कैसा एनवायरनमेंट दूंगा, क्या कैरेक्टर दूंगा, कैसी चीज़ें या कैसे इमोशंस उनके अंदर डालूंगा जिससे एक सजन या सक्सेसफुल इंडिया बने, हमारा भारत देश सुदृढ़ या हेल्दी बने। या फिर हम लोग, और एक चॉइस होता है जो आसान होता है कि जो चल रहा है उसको चलने दे और जैसा है वैसा रहने दे। तो दोस्तों, वो चेंज जो होता है पहले हमारे अंदर लाना चाहिए, क्योंकि दूसरों को हम कभी भी बदल नहीं सकते। दुनिया का कोई साइकोलॉजिस्ट, कोई व्यक्ति हमें बदल नहीं सकता तब तक जब तक हम खुद न चाहें, राइट ना दोस्तों? तो इसी के साथ हम उस फॉर्मूले की तरफ जाएंगे जो ओलंपिक्स के डे पे उन्होंने कुछ तय किया था कि किस बदौलत हम एक अच्छा हेल्दी सोसाइटी या एक एक्टिव सोसाइटी बनाएं। और उसमें से उन्होंने तीन चीज़ें निकाली थी, उसको कहा जाता है MLB। M का मतलब होता है मूवमेंट, मतलब हम जहाँ पे हैं वहाँ से मूव करना। हमारे अंदर कोई एबिलिटी है या नहीं है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जब भी इस संस्था ओलंपिक्स डे की जब शुरुआत की थी, ये फाउंडेशन जब चालू हुआ था, उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि हम एक एबिलिटी होल्डर को ही आगे लाएंगे, ऐसा नहीं था। उन्होंने क्या सोचा था, एक सोसाइटी में ऐसा व्यक्तित्व तैयार करे, ऐसे व्यक्ति के अंदर के तत्व को चेंज करे जिससे ये सारी चीज़ें बनाए या स्पोर्ट्स में एक बेहतरीन व्यक्ति प्रोवाइड करे। देखिएगा, ये संगमेश्वर कॉलेज में मैंने अभी सुना कि सबसे ऑनरेबल रिवॉर्ड या अवार्ड कहा जाता है अर्जुन अवार्ड। और वंदना जी, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, तो वंदना जी ने ये अचीव किया है। ये सिर्फ संगमेश्वर कॉलेज के लिए नहीं, पूरे सोलापुर के लिए बहुत गर्व की, फख्र की बात है। और मुझे अच्छा महसूस हुआ कि लड़कियां भी इतने बेहतर और अच्छा परफॉर्मेंस दे रही है। तो दोस्तों, अगर ये सारी चीज़ें हैं, अगर उन्होंने मुंह ही नहीं किया होता, अपनी जगह अपने विचार छोड़ के अगर आगे जाने की सोच न रखी होती, तो आपको क्या लगता है कि उन्होंने ये मकाम हासिल की होती? बिल्कुल नहीं। तो इसीलिए मैं हमेशा कहती हूँ कि हमें मुंह करते रहना चाहिए। परिवर्तन ये नेचर का नियम है, अगर हम परिवर्तन नहीं करते दोस्तों तो हम मिट जाते हैं। तो परिवर्तन ये बेसिक रूल है हमें डायनामिक रखने के लिए, हमें एक्टिव और हेल्दी रखने के लिए। देखिए, जब भी मैं सुबह उठती हूँ, मुझे कभी भी नहीं लगता कि चलो जॉगिंग में जाए, वॉकिंग में जाए। मैं डेली 5 किलोमीटर मिनिमम वॉक करती हूँ, लेकिन पहले धक्का देना पड़ता है, राइट ना? सुबह में उठने से पहले अभी और 5 मिनट सो जाए, ऐसे मुझे नहीं लगता कि किसी को नहीं लगता होगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? कि जब हम लोग थोड़ा सा बिस्तर में पैर पसार के बैठते हैं, बहुत अच्छा लगता है सुबह उठने से पहले। अभी और 5 मिनट ऐसे ही रहे, ऐसा सबको लगता है, बट स्टिल मैं खुद को धक्का देती हूँ। आज सिर्फ एक दिन 5 किलोमीटर चलना है, ये मेरा पहला सेंटेंस होता है उठते ही, ओके? और मैं यहीं पे पली बड़ी हूँ, इसलिए पहले सिद्धेश्वर महाराज जी का मैं शुक्रगुजार करती हूँ और खुद को बोलती हूँ कि अगर वो इतना बड़ा तालाब बना सकते हैं तो मैं 5 किलोमीटर क्यों नहीं चल सकती। तो मैं खुद को मोटिवेट करके आगे लाती हूँ, मूव करके उस जगह से जिस जगह ने मुझे पकड़ के रखा है, वो है हमारा बिस्तर, बेड, जो सबसे प्यारा होता है हमें। देन ये मूव जो करते हैं उसके बाद ही काफ़ी सारी चीज़ें होती है। मैं मेरा एग्जाम्पल दे रही हूँ, इसका मतलब ये नहीं मैं बहुत महान हूँ। मैं आप ही के जैसे हूँ, आप ही के जैसे विचार आते हैं मेरे दिमाग में, और 5 मिनट सोना मुझे भी बेहद पसंद है। बट दोस्तों, वो 5 मिनट कब आधा घंटा बन जाता है मुझे बताने की ज़रूरत नहीं। आप स्नूज होता है आपका अलार्म, तो स्नूज कर देते हो और बाद में देखते हो तो 6:30 का 7, 7:30 कब बज जाएगा ये पता भी नहीं चलेगा। तो दोस्तों, जिंदगी पहला मुंह करना है हमें, वो हमारे उठते ही तुरंत।
उस बेड को छोड़ के बाहर आना है, ये सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर है। मूव, एम फॉर्मूला का पहला एम होता है। इस अगर टाइम मिला बाद में तो और कुछ चीज़ें मैं शेयर करना चाहूँगी, लेकिन अभी फिलहाल हम लोग आगे जाते हैं। दूसरा होता है एल, मतलब लर्निंग। अगर कोई चीज़ हम लोग सीखते नहीं हैं और हम करना चाहते हैं तो उसमें टाइम और पैसा शायद ज़्यादा जाएगा। दोस्तों आज का माहौल ऐसा है कि दूसरे के लर्निंग से भी सीखना बेहद इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि हमारा टाइम और हमारा पैसा तो जाएगा ही जाएगा, लेकिन अगर हम लोग दूसरे के एक्सपेरिमेंट से या एक्सपीरियंस से सीखेंगे, लर्निंग हमारा होगा, तो हमारा पैसा, हमारा समय, हमारी एनर्जी, सारी चीज़ें दोस्तों बन जाएंगी। बट हर एक चीज़ हम लोग दूसरे के एक्सपीरियंस से नहीं सीख सकते। फॉर एग्जाम्पल, अगर जैसे माइकल स्विमर है, अगर मुझे स्विमिंग करना है और मैं सिर्फ माइकल के यूट्यूब्स या कोई चैनल देखूंगी तो देख के सीख पाऊंगी दोस्तों? बिल्कुल नहीं। तो उसके लिए मुझे वो लर्न करना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा, कैसे हाथ मारना है, कैसे पैर मारना है, बॉडी को कैसे स्टेबल रखना है पानी में, नाक में पानी न जाए, कान में पानी न जाए, इसके लिए मुझे ऐसे कौन से एक्टिविटीज़ करनी है, ये मुझे सीखना पड़ेगा दोस्तों। दैट इज लर्निंग। आज लर्निंग में काफ़ी सारे फैक्टर्स है। लेटेंट लर्निंग सबसे काफ़ी फेमस फैक्टर है। लेटेंट लर्निंग मतलब हम जिंदगी में काफ़ी सारी चीज़ें देखते हैं, सुनते हैं, महसूस करते हैं, बट समय सही सही समय आने पर ही उसको हम लोग इस्तेमाल करते हैं। तो बच्चों में काफ़ी समय तक देखा जाता है कि कोई बच्चा 2-3 साल तक बात नहीं करता, बट सडनली जब बात करने लगता है तो बहुत सारे वर्ड्स वोकैबुलरी के साथ बहुत अच्छे अच्छे सेंटेंस वो बात करने लगता है। और पेरेंट्स मुझे पूछते हैं दोस्तों, अरे मेरा बच्चा तो 3 साल तक एक भी शब्द नहीं बोलता था, लेकिन अभी कैसे बोल रहा है? दैट इज लर्निंग, लेटेंट लर्निंग। लर्निंग के काफ़ी सारे फैक्टर्स है। अगर कभी और समय मिला तो आपके साथ वो भी मैं शेयर करूँगी, बट स्टिल बिकॉज ऑफ टाइम लिमिट आई विल मूव फॉरवर्ड। तो लर्निंग है दोस्तों, लर्निंग में सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर आता है जिसको हमें छोड़ना है, दैट इज ईगो। ईगो ये सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर है जो लर्निंग में बड़ी बाधा होती है। ये कौन सिखाएगा, ये सिखाने वाला कौन है, इसका इसमें क्या एबिलिटीज़ है, मेरी एबिलिटीज इससे अच्छी है, ऐसे कई सारे ईगोइस्टिक सेंटेंसेस अपने अंदर चलती रहती है, जिसके बदौलत हम काफ़ी बार सीखने से दूर रह जाते हैं। तो दोस्तों लर्निंग में इसको हमें पहले उतार के फेंकना है और तभी हम लोग कुछ चीज़ें सीख पाएंगे। देन होता है डिस्कवर, दैट इज डी, इस फॉर्मूले का थर्ड फैक्टर। और डिस्कवर का मतलब है अपने अंदर के तत्व को पहचानो, अपने अंदर के तत्व को पहचान के उसको और एस्टैब्लिश करो। डायमंड को पैसा तभी ज़्यादा मिलता है जब उसके ऊपर ज़्यादा बार ठोका गया हो या उसके ऊपर ज़्यादा बार काम किया गया हो। और ये काम करते वक्त जो कोयला या कोयले के फैक्टर्स, जो केमिकल बॉन्ड्स है, वो टूटता नहीं, वही डायमंड कहा जाता है। तो दोस्तों जब हम लोग खुद को डिस्कवर करते हैं काफ़ी सारी बार या काफ़ी समय तक हम लोग परेशानी से जूझते हैं, मे बी फेल्यूर से जूझते हैं, लेकिन इन काफ़ी सारी चीज़ों से बाहर निकल के ही हम खुद को डिस्कवर कर पाएंगे। हमारे अंदर उस ईश्वर ने क्या तत्व डाला है ये पहचानना भी आज बेहद मुश्किल है। मैं बहुत सारे एज ग्रुप के साथ काम कर चुकी हूँ, करीबन 2-2.5 लाख लोगों के साथ इंडिविजुअली काम करने के बाद मुझे कुछ सेंटेंसेस बहुत पॉपुलरली पूछा जाता है कि मैडम आज मैं 60 साल का हूँ लेकिन फिर भी मुझे ऐसा लगता है कि मैं सेटिस्फाई नहीं हूँ। कोई 40 साल का बंदा आता है, कमाता तो 2-2.5 लाख है महीने का, लेकिन फिर भी वो खुश नहीं होता। कोई स्कूल का बच्चा होता है, वो इतना टेंशन में होता है कि आजकल हम लोग सुसाइडल थॉट्स या सुसाइड के बारे में हम लोग काफ़ी बार पेपर में, न्यूज़ में सुनते हैं, पढ़ते हैं, देखते हैं। दोस्तों मुझे बहुत बड़ा शौक लगा था, मुंबई का 9 साल का बच्चा ऊपर से, मतलब करीबन 25 माले से कूदा था सिर्फ इसलिए कि उसके मार्क्स कम आए थे। तो ये क्या है कि हमारी डिस्कवरी ही नहीं है कि हमारे अंदर कौन सा तत्व है, और अगर किसी ने ढूंढा है तो वो आज जितने भी पॉपुलर कैरेक्टर्स हैं, जितने भी पॉपुलर या सक्सेसफुल लोग हैं, मे बी बिजनेस रिलेटेड,
स्पोर्ट्स रिलेटेड, एजुकेशन रिलेटेड, आप इन सभी के साथ इंटरव्यू करो या इनके इंटरव्यूज देखो, उस वक्त आपको पता चल जाएगा इन सभी ने एक ही बात कॉमनली कही है, दैट इज वन प्रिंसिपल, अपने अंदर के व्यक्तित्व को पहचानो। और विवेकानंद जी का कहना है कि अगर दिन में आप 10 मिनट खुद के साथ बात नहीं करते हो दोस्तों, तो दुनिया के सबसे खूबसूरत, सबसे मौल्यवान व्यक्ति से बात करना आप गवा दोगे। तो स्वामी विवेकानंद जी ने अगर इतना स्टडी करके ये सेंटेंस बनाया है, हमारे लिए शेयर किया है, तो उस सेंटेंस का मतलब भी समझना हमें बहुत इम्पॉर्टेंट है, वो समझना और उसको पहचानना। तो उनका कहने का एक ही मतलब मेरे ध्यान में आया है, अकॉर्डिंग टू मी, कि हम खुद को पहचाने और उस व्यक्तित्व को डेवलप करें जो हमारे अंदर का तत्व है, तभी हमें सक्सेस मिलेगा दोस्तों, तभी हम लोग आगे बढ़ पाएंगे, मे बी इन फाइनेंस लेवल, मे बी इन स्पोर्ट्स लेवल या एजुकेशन लेवल, किसी भी सेक्टर में आगे बढ़ने के लिए हमारे तत्व के ऊपर हम लोग काम करेंगे तो जल्दी सक्सेस मिलने के चांसेस ज़्यादा है। एक एग्जांपल लेंगे, अगर मुझे मुंबई जाना है, अगर मुझे मुंबई जाना है तो मुझे रास्ता मुंबई की तरफ लेके जाने वाला चूज करना चाहिए या केरल की तरफ लेके जाने वाला? तो दोस्तों आप पहचान सकते हो इस सेंटेंस से कि अगर एक 10-12 घंटे का ट्रैवलिंग है ट्रेन से या बस से, और उसके लिए अगर मुझे सही रास्ते की ज़रूरत है, तो दोस्तों हमारे आजीवन मेरे अपने खुद के जीवन का जो रास्ता या डेस्टिनेशन है उसकी तरफ जाने के लिए, क्या हमें उस तत्व को पहचानना और उस तत्व की तरफ लेके जाने वाले रास्ते की जरूरत है या नहीं है? दोस्तों इसके लिए हमारे पेरेंट्स होते हैं, हमारे टीचर्स होते हैं, और आज हम जैसे जो साइकोलॉजिस्ट है या फिर इसके ऊपर काम करने वाले लोग हैं, प्रोफेशनल्स, वो सारे लोग मौजूद हैं। लेकिन किसी के भी मदद से खुद के अंदर के तत्व को अगर हम पहचान पाए, तो हमारा टाइम, एनर्जी हम लोग बचा तो सकेंगे ही, लेकिन जो भारत वर्ष के लिए हम लोग सोचते हैं कि ये करना है, वो करना है, ख्याली पुलाव, वो ख्याली पुलाव नहीं रहेंगे, वो सारी चीज़ें सत्य में या फिर आज रियलिस्टिक बन जाएंगी। तो इसके लिए खुद के लिए ना सही, लेकिन हमारे पूरे भारत के लिए, हमारे देश के लिए, हमारे सिटी के लिए हम ये सारी चीज़ें कर सकते हैं। और इसके लिए मेरे लिए तो मेरे जीवन में मेरा तत्व ढूंढने के लिए मेरे टीचर्स ने मुझे हेल्प किया था, और वो टीचर्स मेरे फैमिली से भी बिलोंग करते थे और बाहर के भी। एक ऐसी टीचर मेरे लाइफ में आई जिनके बदौलत मैं 18 साल तक बहुत कम बात करती थी, क्योंकि मैं रुक रुक के बात करती थी, और उसके बदौलत उन्होंने एक होप, एक फेथ रखा मेरे अंदर, और उन्होंने कहा, पद्मावती यू आर रॉन्ग, आपके एक अंदर बेहतरीन व्यक्तित्व है, उसको आपको पहचानना पड़ेगा और उसके ऊपर काम करना पड़ेगा। 18 साल की बच्ची तब मैं नहीं समझ पाई, बट जैसे जैसे उसके ऊपर काम करते गई, और शायद इसी की वजह से मैं साइकोलॉजी की तरफ भी बढ़ी कि क्यों मैं 18 साल तक इतनी पीछे रही, और उसके बाद आज के डेट में कॉलेज टॉपर या फिर करीबन 156 अवार्ड्स मैंने अपने जीवन में पाए हैं दोस्तों। तो खुद के एक एग्जांपल से मैंने पहचाना कि अंदर के तत्व को अगर हम लोग पहचान सके, तो हम कहीं से भी निकल के, किसी भी परिस्थिति से निकल के सक्सेस की तरफ बढ़ सकते हैं। और मेरा मानना यही है कि हमें आगे बढ़ने के लिए इसके ऊपर काम करना ज़रूरी है, और मेरे हिसाब से इसी को मैं पर्सनैलिटी डेवलपमेंट कहूँगी। तो इसके 3 फैक्टर जो मैंने थोड़ी देर पहले कहा था कि हमारा इमोशंस, उसके ऊपर हमें काम करना पड़ेगा, बिल्ड आवर कैरेक्टर, कैरेक्टर के ऊपर काम करना पड़ेगा, किसी भी प्रिंसिपल के ऊपर हमें कॉम्प्रोमाइज़ अगर हम लोग करेंगे तो वो कैरेक्टर नहीं रहेगा। तो प्रिंसिपल के ऊपर, प्रिंसिपल जो है वो यूनिवर्सल होते हैं, प्रिंसिपल के ऊपर अगर हम लोग काम करेंगे तो हमारा चारित्र निखर कर ऊपर आएगा। और थर्ड और सबसे इम्पॉर्टेंट है एनवायरनमेंट। अगर और एक 5 मिनट समय है तो उस एनवायरनमेंट के बारे में मैं बात करना चाहूँगी, क्योंकि इसमें 2 इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। एक है बाहर का एनवायरनमेंट, हमारे आसपास का एनवायरनमेंट। दोस्तों इसके ऊपर कंट्रोल है हमारा? बिल्कुल नहीं। हम ये नहीं पहचान सकते कि कब अर्थक्वेक होगा, कब पेंडेमिक स्टार्ट होगा। आज के डेज, आज के दिन में मास्क निकाल के बाहर जाना भी एक डरावना चीज़ है हमारे लिए, लाइफ थ्रेटनिंग है वो।
तो दोस्तों ये जो चीजें हैं इस एनवायरनमेंट में हमारा कंट्रोल नहीं है, लेकिन एक एनवायरनमेंट पे हमारा कंट्रोल है, दैट इज अवर इंटरनल एनवायरनमेंट, जिसको इकोलॉजी कहा जाता है। और इस इकोलॉजी को जिन्होंने जीता है ना दोस्तों, उन्होंने दुनिया जीती है। माफ कीजिएगा, मेरा लैंग्वेज थोड़ा प्रॉब्लम है, घर में कन्नड़ा बात करती हूँ, एजुकेशन इंग्लिश में हुआ है, बाहर मराठी बात करती हूँ और स्पीच हिंदी में दे रही हूँ, तो थोड़ा कॉम्बिनेशन हो जाता है। कहीं पे स्त्रीलिंगी की जगह पुलिंगी, मतलब करती हूँ की जगह पे मैं करता हूँ अगर बोलूंगी, तब भी माफ कर दीजिएगा, ओके। क्योंकि मेरा इंटेंशन जो है वो सही दिशा में है, बट कहने के लिए शब्द शायद नहीं मिलते सही तरीके से, लेकिन मानना यही है मेरा कि मेरे दिल से जो मैसेज आज मैं पास कर रही हूँ वो आपके दिल तक अगर पहुँचा पाई, तो मैं आज के डेट में एक भी व्यक्ति के दिल तक वो मैसेज अगर दे सकूँ तो मैं सक्सेसफुल हो जाऊँगी दोस्तों। तो इस एनवायरनमेंट के लिए मैं ये बात यहाँ पे क्यों बता रही हूँ, क्योंकि आज इसी के ऊपर ज़्यादा काम करना ज़रूरी है। आज पेंडेमिक पीरियड में काफ़ी सारे कोविड पेशेंट को ट्रीट करते वक्त मैंने जाना कि जो लोगों का डेथ हुआ है उसमें काफ़ी सारी चीज़ें हैं, जैसे ऑक्सीजन नहीं मिला या ट्रीटमेंट अच्छा नहीं मिला, हॉस्पिटल नहीं मिला, इन चीज़ों को हम लोग बदल नहीं सकते थे। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो सब कुछ मिला फिर भी उनकी डेथ हुई है दोस्तों, और उनमें कॉमन फैक्टर है उनकी हार। उन्होंने मानसिक तौर पर पहले हार मान चुके थे, जिसकी वजह से डेथ उनके पास आ गई या फिर उनका लाइफ ख़त्म हो गया। और ये मानसिकता हम लोग एक नहीं काफ़ी लोगों में ये देखते हैं। इसके कई सारे एग्जाम्पल्स हैं, जिन्होंने सुसाइड किया है, जिन्होंने गिवअप किया है कुछ चीज़ों को, जैसे स्पोर्ट्स को गिवअप किया है, राइटिंग को गिवअप किया है, इवन एजुकेशन को गिवअप किया है। ऐसे कई लोग हैं जो जीतने से पहले हार मान चुके हैं, और दैट इज डिपेंड ऑन आवर इंटरनल इकोलॉजी। एंड व्हाट इज दिस इंटरनल इकोलॉजी? ये हमारे अंदर की फीलिंग है, हमारे अंदर की एक आवाज़ है, हमारे अंदर का एक तत्व है जो हमें आगे बढ़ने के लिए, रुकने के लिए या फिर पीछे हटने के लिए बोलता है। जहाँ पे हम हैं वहीं पे रुकना, जहाँ पे हम हैं वहाँ से पीछे जाना, या जहाँ पे हम हैं वहाँ से आगे जाना। तो इन चीज़ों के लिए एक सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर वो है इकोलॉजी। और इकोलॉजी में कहा जाए तो हमारी अंदरूनी आवाज़। आप देखो दोस्तों, जब सचिन जी वो 140 इमोशनल 140 रन बना रहे थे, क्या दोस्तों उनका दिल रो नहीं रहा था? मैं अपने पिता को, मेरे अपा जी को मैंने खो दिया, तब मुझे पता चला। इवन दो अभी भी मेरे आंखों में एक्चुअली पानी आया है, उनको जब मैंने खोया तब मुझे पता चला कि फादर क्या होता है। तो उस बच्चे ने तो ऐसे समय पे उनको खो दिया था जब हमें उसकी ज़्यादा ज़रूरत थी। तो उन्होंने अपने इंटरनल इकोलॉजी को कैसे संभाला होगा, मैं और आप कल्पना भी नहीं कर सकते। तो इसीलिए दोस्तों उन्होंने काम किया अपने अंदर की आवाज़ को। अगर हम वहाँ पे होते हम भाग जाते, हम वहाँ पे होते इंग्लैंड छोड़ के इंडिया आ जाते, हम वहाँ पे होते बैट को हाथ न लगाते। तो दोस्तों अगर उन्होंने उस चीज़ को पा लिया तो इसका एक ही कारण है, उन्होंने अपने अंदर के आवाज़ को पा लिया या फिर उसके ऊपर जीत हासिल की। ऐसा हमेशा होता है, हमारे अंदर से एक आवाज़ आती है करो, लेकिन हम उठते नहीं और करते नहीं, जिसके बदौलत हम लोग हार जाते हैं। यह है इंटरनल इकोलॉजी। काफ़ी लोग जब वेट गेन या वेट लूज के लिए हमारे पास काउंसलिंग के लिए आते हैं, उस वक्त भी यही एक प्रॉब्लम होता है। वो डाइट करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, ये काफ़ी सारी चीज़ें बाहर से बिलोंग करती है, लेकिन अंदर से उन्हें केक्स पसंद है, अंदर से जब आइसक्रीम का शॉप दिखता है तो मुँह में पानी आ जाता है। दोस्तों अगर ऐसा होगा तो क्या हम वेट कम कर पाएंगे? अगर कम भी किया तो टेम्प्रेरी रहेगा, लॉन्ग टर्म नहीं रहेगा। तो ये चीज़ें हैं कि हमें बनाता है या बिगाड़ता है। आप किसी भी स्पोर्ट्स रिलेटेड व्यक्ति को देखो, उसको जब भी आप लोग इंटरव्यू करते हो या उनका इंटरव्यू देखते हो, वो हमेशा बोलते हैं कि मैंने हमेशा से खुद को एक जीते हुए व्यक्ति के बतौर देखा है, या मेरी इंटरनल वॉइस है आई एम सक्सेसफुल, आई एम बेस्ट, आई लव माई सेल्फ। ऐसी काफ़ी सारी चीज़ें, काफ़ी कॉमन सेंटेंसेस आपको उन लोगों में मिलेंगे। तो इसका मतलब क्या है दोस्तों? हमारे इंटरनल वॉइस हमें अगर बना सकती है,
तो इंटरनल वॉइस में अगर हम लोग चेंज करेंगे तो कितना इम्पोर्टेंट है। अभी आप बोलोगे इंटरनल वॉइस है क्या चीज़, हमारे अंदर है या नहीं है, हर एक व्यक्ति में वो काम करता है। दोस्तों आप देखो, आपका एक टाइम है, समय है कि 4 बजे आप अगर चाय पीते हो तो बिना टाइम देखे या बिना वॉच को देखे आपको अंदर से एक आवाज़ आती है कि चाय पीनी चाहिए। अगर कोई चेन स्मोकर है, सॉरी मैं निगेटिव एग्जाम्पल दे रही हूँ, या फिर कोई ड्रिंकर है, तो ऐसे लोगों का तो इंटरनल वॉइस बहुत हाई लेवल पे होता है दोस्तों। लेकिन यहाँ पे हम लोग पॉजिटिव चीज़ें देखने के लिए बैठे हैं, तो छोटी चीज़ है, हम लोग कभी कभी घर से निकलते हैं, आज जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, एक इंटरनल वॉइस आती है। या काम के प्लेस से हम लोग निकलते हैं घर की तरफ और इच्छा होती है, अंदर से एक आवाज़ आती है, मस्त आज चांगले पकड़ कांदे भजी मिला ली तर छान वाटेल। एंड आपकी बीवी घर पे जाते ही आपको प्लेट में वो सर्व कर देती है, या फिर आपकी माँ। तो ये क्या है दोस्तों, दिस इज इंटरनल वॉइस। कुछ लोग बोलते हैं ये कनेक्टिविटी है, लेकिन अंदर से आवाज़ ही नहीं आई तो कनेक्टिविटी कहाँ से आएगी दोस्तों। तो हमें अपने गोल के साथ इसको कनेक्ट करना है, जैसे आपने अपने वाइफ के साथ, अपनी मम्मी के साथ, अपनी बहन के साथ, पापा के साथ ये सारी चीज़ें की है। या फिर कॉमनली एक सेंटेंस तो आप कहते ही हो, अरे आत्ताच में विचार करो तो आणि तुझा कॉल आला। कितने लोगों ने इस सेंटेंस को चिपकाया है किसी से, सच में बताइए, झूठ वाला सेंटेंस नहीं। कभी ना कभी ऐसा हुआ होगा, आपके थॉट में, जहन में उस व्यक्ति का नाम याद आ गया और उसका कॉल आ गया, या फिर आपके सामने वो व्यक्ति आ गई, भले वो 4-5 साल 10 साल आपसे छूटा हो, लेकिन उस समय वो सामने आ गया किसी भी रूप में या स्वरूप में, कॉल के रूप में या फिर सामने से। तो दोस्तों ये क्या है, दिस इज कनेक्टिविटी, और यही है इंटरनल इकोलॉजी। अगर हाई लेवल पे हम लोग लेके जाएंगे तो हम लोग किसी चीज़ से भी कनेक्ट कर पाएंगे। तो यहाँ पे मैं एक दरख्वास्त करूँगी, आपको एक रिक्वेस्ट करूँगी कि अपने आप को कनेक्ट करो अपने गोल से, कुछ पॉजिटिव गोल बनाइए लाइफ में, और उनके साथ अगर खुद को कनेक्ट कर पाए तो दोस्तों जैसे आपने उस कांदा भजी की डिश को अपनी तरफ अट्रैक्ट किया, जैसे उस दोस्त को अट्रैक्ट किया, उसी स्टाइल में आप अपने बड़े से बड़े गोल को अपनी तरफ खींच पाओगे। एक 16-17 साल की लड़की जो कुछ नहीं कर सकती थी, आज आपके सामने बात कर सकती है, आज इंटरनेशनल फोरम पे काम कर सकती है, पर्सनालिटी एनालाइजेशन में पूरे एशिया में टॉप 5 रैंकिंग में हूँ, तो मैं ये कर सकती हूँ। एक नॉर्मल फैमिली जिसके माता पिता बिल्कुल पढ़े लिखे नहीं है, जिसके पिता मेरे अप्पा जी एक नॉर्मल नेहरू शर्ट या बिजार बोलते हैं मराठी में, ऐसा पहरावा था, जिन्होंने लाइफ में 1 ग्राम तक सोना पहना नहीं है, उसकी माता मतलब मेरी अव्वा, मेरी माता जी कभी उन्होंने साइन तक नहीं किया, अंगूठा लगाती है आज तक वो, जिसको मराठी बोलना मतलब इंग्लिश बोलने के जैसा है। तो ऐसे फैमिली से अगर मैं बिलोंग करके भी यहाँ तक पहुँच सकती हूँ दोस्तों, इस इकोलॉजी को चेंज करके, तो आप क्यों नहीं। तो मेरी दिल से एक रिक्वेस्ट है, ये इकोलॉजी आपके बच्चों में, अपने सिबलिंग, अपने आसपास के लोगों में कैसे चेंज कर सकते हो उसका प्रयास करो, यही एक सबसे बड़ा गिफ्ट होगा इस भारतवर्ष के लिए। तो दोस्तों इसी दरख्वास्त के साथ मैं यहाँ पे रुकना चाहूँगी, लेकिन रुकने से पहले कुछ ग्लिम्स या फिर हम लोग जो बात किया उसके ऊपर थोड़ा कवरअप करेंगे। तो सबसे इम्पॉर्टेंट था आज का दिन, आज इंटरनेशनल स्पोर्ट्स ओलंपिक डे है, तो इस दिन का एक सबसे बड़ा मकसद है हमें हेल्दी और एक्टिव रखना, और इसके लिए उन्होंने एक फॉर्मूला बताया है जिसमें हमने देखा 3 फैक्टर्स। वो 3 फैक्टर अगर हम लोग इस्तेमाल करेंगे तो हम लोग आगे बढ़ पाएंगे। 1 is M मतलब मूव, 2 is L मतलब लर्निंग, एंड 3 is Discover मतलब खुद के अंदर के तत्व को पहचानना। दोस्तों इस तत्व के इस फॉर्मूले के ऊपर भी हम लोग काम करेंगे तब भी हम लोग और यंग और डायनामिक बन सकते हैं। अगर आपको खुद के ऊपर विश्वास नहीं है तो मेरा विश्वास थोड़ा उधार लीजिएगा, बट इसके ऊपर काम कीजिएगा। तो इसी रिक्वेस्ट के साथ मैं यहाँ पे रुकना चाहूँगी, कभी और अगर ऐसा प्लेटफॉर्म मिला तो ज़रूर आपके साथ फिर से जुड़ूंगी। थैंक यू एंड धन्यवाद पूरा स्टाफ, कॉलेज, डॉक्टर शोभा मैम, आज मुझे जो अपॉर्चुनिटी मिली है
थैंक्स अ लॉट। और मैंने कोशिश की है अपने दिल से कुछ चीज़ें बताने के लिए। अगर गलती से कोई गलती भी हुई है तो बड़े दिल से सारे सोलापुर कर या जो भी लोग मुझे सुन रहे हैं वो माफ़ करेंगे, इसी रिक्वेस्ट के साथ मैं यहाँ पे रुकूंगी। थैंक्स अ लॉट।